नमस्कार दोस्तों, मैं जिताव वो आप सभी का स्वागत करता हूँ कैड मैनी एक चैनल में। आज हम लोग ऑटोडेस्क के ऑटो कैड सॉफ्टवेयर को कैसे फ्री में डाउनलोड करते हैं और उसे इंस्टॉल कैसे करते हैं उसके बारे में जानेंगे। ऑटोडेस्क अपने सारे प्रोडक्ट्स को, जिनमें ऑटो कैड, रेविट, ऑटो कैड LT, इन्वेंटर और बहुत से सॉफ्टवेयर्स आते हैं, उनको स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स के लिए फ्री में लाइसेंस मुहैया करवाती है। पहले ऑटोडेस्क स्टूडेंट्स और एजुकेटर्स को 3 साल के लिए फ्री लाइसेंस देती थी, अभी ऑटोडेस्क ने उसको 1 साल कर दिया है। और आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स भी अपलोड करने पड़ते हैं जिससे कि ये प्रूफ हो कि आप किसी रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी या स्कूल के स्टूडेंट या फिर एजुकेटर हो। तो हम लोग सीखेंगे कैसे ऑटोडेस्क के ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर आपको अकाउंट क्रिएट करना है, क्या डॉक्यूमेंट्स आपको अपलोड करने हैं, उसके बाद हम लोग ऑटोकैड 2021 वर्जन को डाउनलोड कर उसे इंस्टॉल करना भी सीखेंगे। तो सबसे पहले आप लोग अपने ब्राउज़र में जाकर ऑटोकैड स्टूडेंट टाइप कीजिए, उसके बाद एंटर को प्रेस कीजिए, फिर इस पहले लिंक पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ साइन इन पे क्लिक कीजिए और फिर दोबारा से यहाँ साइन इन पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ जिनके ऑलरेडी ऑटोडेस्क में अकाउंट है वो सिंपली लॉग इन कर सकते हैं, और जो नए यूज़र्स है वो क्रिएट अकाउंट पे क्लिक कीजिए। फिर यहाँ आपको आपका नाम, ईमेल आईडी और पासवर्ड देना है। पासवर्ड डालते वक्त आपको नीचे दिए गए इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करना है, फिर इस चेकबॉक्स को टिक कर क्रिएट अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए, उसके बाद यहाँ से डन पे क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ गेट प्रोडक्ट्स में क्लिक कीजिए और फिर ऑटोडेस्क यहाँ आपको ग्रीट करेगा। आपको यहाँ गेट स्टार्टेड पे क्लिक करना पड़ेगा। अब ऑटोडेस्क आपको साइन इन करने के लिए कह रहा है, आप वही ईमेल आईडी दीजिए जो आपने अकाउंट क्रिएट करते वक्त डाला था, उसके बाद नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद आप अपना लॉगिन पासवर्ड डाल दीजिए और फिर साइन इन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद गेट वेरिफिकेशन ईमेल पे क्लिक कीजिए, फिर आप अपने ईमेल अकाउंट पर लॉगिन कर लीजिए और ऑटोडेस्क ईमेल को ओपन कर लीजिए, फिर वेरीफाई ईमेल पर क्लिक कीजिए, फिर डन में क्लिक कर दीजिए और फिर यहाँ से गेट स्टार्टेड पर क्लिक कीजिए, और ऑटोडेस्क फिर से आपको साइन इन करने के लिए कह रहा है। ईमेल और पासवर्ड डाल के आप साइन इन कर लीजिए, फिर आप अपना एजुकेशन प्रोफाइल सेट कर लीजिए, यहाँ से कंट्री सेलेक्ट कर लीजिए। यहाँ से एजुकेशनल रोल सिलेक्ट कर लीजिए। मेरे स्टूडेंट्स के रिक्वेस्ट पे ही मैं ये वीडियो बना रहा हूँ, तो ये उन्हीं में से एक का प्रोफाइल है, तो मैं इसको स्टूडेंट कर देता हूँ। यहाँ से आप स्कूल या यूनिवर्सिटी जिसमें भी आप करेंटली एनरोल्ड है उसको सिलेक्ट कर लीजिए, फिर आप अपना डेट ऑफ बर्थ डाल दीजिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कर दीजिए। फिर यहाँ से आप अपना इंस्टीट्यूट टाइप करके सिलेक्ट कर लीजिए, आपको यहाँ सारी एफिलिएटेड इंस्टीट्यूट्स मिल जाएंगी। फिर यहाँ से आप अपना एरिया ऑफ स्टडी सिलेक्ट कर लीजिए, फिर यहाँ से आप यूनिवर्सिटी में कब एनरोल हुए थे वो मंथ और ईयर डाल दीजिए, और यहाँ आप कब ग्रेजुएट होंगे वो मंथ और ईयर डाल दीजिए, फिर नेक्स्ट में क्लिक कर दीजिए और फिर कंटिन्यू में क्लिक कर दीजिए, और यहाँ ऑटोडेस्क फिर से आपको ग्रीट करेगा। फिर आपको यहाँ से गेट स्टार्टेड में क्लिक कर देना है। यहाँ देखिए आपके सारे डिटेल्स आ गए, बस यहाँ से सब एक बार चेक कर लीजिए, फिर वेरीफाई में क्लिक कर दीजिए। अब यहाँ आपको अपना डॉक्यूमेंट अपलोड करना पड़ेगा, आप 14 डेज़ के अंदर अपना डॉक्यूमेंट अपलोड कर सकते हैं, जिसको ऑटोडेस्क वेरीफाई करने के बाद ही आप कोई भी ऑटोडेस्क सॉफ्टवेयर को डाउनलोड कर फ्री लाइसेंस को यूज़ कर सकते हैं। और डॉक्यूमेंट आपको कुछ ऐसा अपलोड करना पड़ेगा जिसमें क्लियरली आपके कॉलेज का नाम मेंशन हो, आपका नाम मेंशन हो और वैलिडिटी मेंशन हो। तो आप चाहे तो अपना आई कार्ड अपलोड कर सकते हैं, तो आप यहाँ ब्राउज पर क्लिक कर दीजिए, फिर आपका डॉक्यूमेंट जहाँ कहीं भी हो उसको वहाँ से सिलेक्ट कर लीजिए। मैं इस आईडी को थोड़ा ओपन करके दिखा देता हूँ। ये ऐसे जनरेटेड आईडी होना चाहिए जो कि वैलिड हो, ऐसे नहीं कि नाम वैलिडिटी हाथ से लिखकर एक फ़ोटो लगा दिया हो, वैसे आईडीज़ को ऑटोडेस्क वैलिडेट नहीं करेगा। तो आईडी को सिलेक्ट कर ओपन कर लीजिए, फिर नीचे सबमिट बटन पर क्लिक कर दीजिए। अब ऑटोडेस्क कह रहा है कि 20 मिनट के अंदर आपके अकाउंट को वैलिडेट कर दिया जाएगा अगर आपके डॉक्यूमेंट सही हो, तो अब क्लोज पर क्लिक कर दीजिए। अब ये देखिए कुछ ही सेकंड में ऑटोडेस्क ने अकाउंट को वैलिडेट कर दिया है।
ये देखिए यहाँ लिखा है योर एजुकेशनल एक्सेस टू ऑर्डरेस प्रोडक्ट इज़ वैलिड थ्रू August 22, 2021, चूज ए प्रोडक्ट नाउ। अब हम ऑटोकैड के नीचे गेट प्रोडक्ट में क्लिक करते हैं। ये ऑटोकैड वर्जन विंडोज़ के लिए है और ये ऑटोकैड मैक के लिए है। यहाँ से आप कोई भी वर्ज़न चूज़ कर लीजिए और फिर आइदर इंस्टॉल पे क्लिक कर दीजिए या फिर इस डाउनलोड्स एरो पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से डाउनलोड पर क्लिक कीजिए और ये देखिए एक exe फाइल डाउनलोड होना स्टार्ट हो चुका है। तो यहाँ आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा जब तक कि ये फ़ाइल डाउनलोड हो जाए। आपके पास एक अच्छा इंटरनेट कनेक्शन होना चाहिए, तो मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। यह हमारा डाउनलोड कंप्लीट हो चुका है, फिर इसको यहाँ से ओपन कर देंगे, फिर यहाँ ओके प्रेस कर देंगे। अब ये फाइल को एक्सट्रैक्ट कर रहा है, उसके बाद यहाँ इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए, फिर यहाँ से आप अपना कंट्री सिलेक्ट कर लीजिए, लाइसेंस और सर्विस एग्रीमेंट को एक्सेप्ट कर लीजिए, आप चाहे तो इसको पढ़ सकते हैं, फिर नेक्स्ट में क्लिक कीजिए और फाइनली इंस्टॉल पर क्लिक कीजिए। अब फिर से मैं इसको फास्ट फॉरवर्ड कर देता हूँ। ये देखिए ऑटोकैड इंस्टॉल हो चुका है। अब लॉन्च नाउ पर क्लिक कीजिए। ये माइग्रेशन सेटिंग्स है। आपके पास अगर कोई प्रायर वर्जन इंस्टॉल्ड है तो आप उस पर इस नए वर्जन को माइग्रेट भी कर सकते हैं। मैं फ़िलहाल इसको क्लोज कर देता हूँ। ये खुल गया हमारा ऑटोडेस्क ऑटोकैड 2021 वर्जन। इस फर्स्ट ऑप्शन पर क्लिक कर दीजिए, फिर यहाँ से साइन इन विथ योर ऑटोडेस्क आईडी पर क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपने ईमेल आईडी को डालिए और फिर नेक्स्ट पे क्लिक कीजिए। यहाँ से आप अपना पासवर्ड डालिए और साइन इन पर क्लिक कर दीजिए, इसकी ज़रूरत है नहीं। तो ये हमारा ऑटोकैड का फुल इंटरफेस खुल चुका है। अब आप ऑटोकैड के मज़े ले सकते हैं। तो आपको अगर ये ट्यूटोरियल पसंद आया हो तो आप कैड मैनिएक चैनल को ज़रूर से सब्सक्राइब कर लीजिए। यहाँ आप लोगों को ऑटोकैड और रेविट के बहुत से ट्यूटोरियल्स मिल जाएंगे, सिविल इंजीनियरिंग के ड्राइंग्स, 3D मैकेनिकल मॉडल्स, 3D हाउस डिज़ाइन पे ट्यूटोरियल्स, बेसिक ट्यूटोरियल्स, इलेक्ट्रिकल कंपोनेंट्स, 2D ड्राइंग्स, सब कुछ मिल जाएंगे। आप चाहे तो प्लेलिस्ट में जाकर भी डिफरेंट प्लेलिस्ट को वॉच कर सकते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। सब स्वस्थ रहिए। धन्यवाद।